देखिए, तालिबान को अफगानिस्तान में जीत हासिल किए मात्र दो दिन बीते हैं। दुनिया के कई देश तालिबान की सरकार को समर्थन की बात कर रहे हैं और अमेरिका पर निशाना साध रहे हैं। रूस भी उन देशों में शामिल है जो तालिबान के साथ और अमेरिका के विरोध में है। अब अफगानिस्तान में रूस के एम्बेसडर ने बड़ा बयान दिया है। रूसी एम्बेसडर ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में तालिबान के नेतृत्व में काबुल ज्यादा सुरक्षित रहा बनिस्बत पिछली सरकार के, यानी सीधा सीधा वो अमेरिका और गनी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।